हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम। और आज के लिए मैंने टॉपिक लिया है फाइनल अकाउंट्स। तो हम हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हर एक सेशन में, जिससे कि आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएं और अकाउंटिंग सेक्शन में एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए और हर एक क्वेश्चन आपका इजिली सॉल्व हो। और चले आगे, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी सेशंस लिए जाएं या फिर रिकॉर्डेड वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर अनुज जिंदल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो अनुज जिंदल पे जाके ईएसआई वाले कोर्स को एनरोल कर लीजिए। वहां पे डिटेल्ड में टॉपिक्स की पीडीएफ एंड वीडियोज अवेलेबल है, जिससे आपका हर एक टॉपिक फुल्ली कवर्ड हो जाएगा। अब चलें अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट। देखो, जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो फाइनल अकाउंट्स हमारा बहुत ही इजी चैप्टर होता है कि भाई एंड में जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही है, देखो उसमें हम करते क्या है, पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट अगर हमारा बाय एंड सेल का काम है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है। उसके बाद बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद बनती है हमारी बैलेंस शीट, जो हम बेसिक बेसिक की बात करें तो ये तीन चीजें बनती हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो किस पर्पस के लिए बनता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको याद हो तो उसमें हम एंड में क्या करते हैं, पहले अपने ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करके उसमें से क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स वगैरह माइनस करते हैं, जिससे हमारा क्या आता है, या तो हमारा आता है ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आता है, या फिर आता है ग्रॉस लॉस। और इस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करते हैं और जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होता है, जिसे हम या तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं या फिर जिसको रिजर्व्स क्रिएट करने होते हैं तो उसमें से क्रिएट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर यहां पर बात करी गई होती हमारा पी एंड एल की तो हमारा आंसर क्या हो जाता, नेट प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। अगर सर किसी का माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो तो बैलेंस शीट में क्या निकालते हैं, तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं निकालते, वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन शो करती हैं। देखो अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड की हो तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकला, इसमें नेट प्रॉफिट निकला, इसमें क्या निकला, अरे इसमें कुछ नहीं निकलता, ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारी पोजीशन दिखाएगी भाई कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं हमारे पास। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस दे रखे हैं, डायरेक्ट वेजेस दे रखे हैं, इंटरेस्ट दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमारा फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, फिर जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, फिर माइनस में हमारा क्लोजिंग स्टॉक, है ना, ये हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसमें सॉरी हमें अमाउंट दे रखी है, हमें पुट करनी है। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 8500, इसमें प्लस करेंगे परचेजेस 30700, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस 4800, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे,
इंटरेस्ट ऑन लोन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसे ऐड नहीं करेंगे, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 9000 रुपीस। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये अमाउंट क्या आ जाएगी 8500 प्लस 30700 प्लस 30700 प्लस 4800, तो ये आ गया 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 5 20 44,000, 44,000 में से 9,000 हमने सब्ट्रैक्ट करा तो 35,000, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 35,000 रुपीस, ऑप्शन नंबर सी। सर अगर ये फॉर्मूला याद कैसे करें, तो इस फॉर्मूले को याद करने का ध्यान रखना, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट में तो हम यही करते हैं ना, देखो ओपनिंग स्टॉक, फिर हमारा परचेजेस, फिर हम इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें से यहाँ पे एक चीज होती है सेल्स और एक चीज होती है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में से इसमें माइनस कर देना है, तो जो ये हमारी चीज हो गई माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो हमारा आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सी 35,000 डायरेक्ट हमारा न्यूमेरिकल आ रखा था। चले आगे, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं हमारे फाइनल अकाउंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैलरी एंड वेजेस अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन। देखो जो हमारे फाइनल ये बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, उसके जो हमारे अकाउंट्स होते हैं कहां से उठाए जाते हैं, देखो जर्नल से ट्रायल बैलेंस, जर्नल से लेजर में क्या था, लेजर से ट्रायल बैलेंस बने थे, ट्रायल बैलेंस ही हर एक अकाउंट को उठा के या तो हम ट्रेडिंग में डालते हैं, या तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं, या फिर बैलेंस शीट में डालते हैं, मतलब तीनों में से किसी एक जगह जाता है। अब इन्होंने पूछा है जो ट्रायल बैलेंस में सैलरीज एंड वेजेस था, सैलरीज एंड वेजेस कहां जाएगा, तो सैलरीज एंड वेजेस हमारे एक्सपेंस है और सैलरी वर्ड यूज किया गया है, तो मैं मान लूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस की भी बात हो रही है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं, यहां पे हम ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं ताकि हमारा नेट प्रॉफिट निकल सके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड का मतलब देखो जब हम पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं तो ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये ग्रॉस प्रॉफिट में से हम अपने एक्सपेंस माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह या सैलरीज वगैरह, उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस देन इट विल अपीयर इन ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है वो कहां अपीयर होगा। अब मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करने वाले हैं। भाई तुम क्या आंसर दोगे, तुम आंसर दोगे ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट। सब यही कहेंगे कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में अभी आपने भी बोला था कि भाई यहां पे क्लोजिंग स्टॉक आता है, और बैलेंस शीट में याद हो आपको तो हम यहां पे एसेट साइड में करंट एसेट में हम इन्वेंटरीज या फिर क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं इन्वेंटरीज वाली अमाउंट में, कितना हमारा स्टॉक बचा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर तुम बोलोगे कि ऑप्शन नंबर डी है, बट ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैलेंस शीट। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है अगर वो ट्रायल बैलेंस पे अपीयर हो रहा है तो वो हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका मतलब हमने उसे परचेजेस में से ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया है। ठीक है सर, फिर ये कब होता है, सर ये तब होता है जब हमें क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट एडजस्टमेंट में दी होती है, एडजस्टमेंट में दी होती है तो हम उसकी दो एंट्रीज पास करते हैं। अगर याद हो तो फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट्स वाले केसेस में क्या होता है, हर एक एंट्री की दो जगह एंट्रीज पास होती है, डबल एंट्री फॉलो करते हैं, तब होता है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग वाले में जाता है और एक जगह बैलेंस शीट में जाता है। लेकिन जब वो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया गया है तो इसको एक ही जगह ट्रांसफर करना है, वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बैलेंस शीट। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एडजस्टमेंट में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक तो दो जगह जाएगा भाई, कहां दो जगह, पहला ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा बैलेंस शीट में। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो मतलब ऑलरेडी ऊपर वाला काम हो चुका है, सिर्फ बैलेंस शीट में हम डालेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है, चले आगे,
नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स पेड इन केस ऑफ सोल ट्रेडर इज ट्रीटेड एज। जो इनकम टैक्स पे किया है किसने, सोल ट्रेडर ने, वो क्या ट्रीट होगा, पर्सनल एक्सपेंस, डेटर्स एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस, नन ऑफ द अबव। सर इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है, जो टैक्स देते हैं हम इनकम में। बिजनेस से रिलेटेड जो टैक्स होते हैं हम उन्हें कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, जो कंपनी भरती है, है ना। इनकम टैक्स एक इंडिविजुअल पे लगाया जाता है उसकी इनकम पे, तो इनकम टैक्स एक सोल ट्रेडर का, जो सोल ट्रेडर की इनकम पे लग रहा है उसे बोला जाता है पर्सनल एक्सपेंस। उसे क्या बोला जाता है, पर्सनल एक्सपेंस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल एक्सपेंस। देखो डेटर एक्सपेंस का कोई मतलब नहीं बनता, बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता वो, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता। इनकम टैक्स जो पे किया जाता है वो सोल ट्रेडर की इनकम पे किया जा रहा है, तो सोल ट्रेडर का एक्सपेंस है, तो वो कहलाता है बिजनेस एक्सपेंस नहीं कहलाता, वो कहलाता है पर्सनल एक्सपेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल एक्सपेंस। अब लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको मुझे कहां देना है, कमेंट बॉक्स पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी, इन विच ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज पेटेंट अपीयर। जैसा अभी मैंने बताया था, अगर पेटेंट कहीं अपीयर हो रहा है तो वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट थर्सडे, कितने बजे, 2 बजे। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।